हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार्ट प्लानर। आपण मैंने थंबनेल रे जहाँ देखिछन एकदम ठीक अटे नहीं कि तो आज आम श्रेणी दशम इंग्लीश बहर समेटिव एसेसमेंट वन को आधार कर एक क्वेश्चन सेट को देखा एक नमूना प्रश्नपत्र को आम आलोचना करवा। ओके, तो नमूना प्रश्नपत्र को आलोचना करने पूर्व तुम जो गोटे मनरे प्रश्न अच्छी समेटिव एसेसमेंट वन कौन केवल आवल एम सी क्यू प्रश्न आसब कि ना फॉर्मेट भी एसेसमेंट वन अन्य किसी प्रश्न आसला भाया से प्रकार भी प्रश्न आसपे। तो यही प्रश्न उत्तर आम वीडियो रे जानवाक पाइबा। तो कहीं मत वीडियो को स्किप न करी आरंभ लास्ट पर्यंत देख एवं शेष में आम यही इंग्लीश जो क्वेश्चन सेट्र गोटे नमूना प्रश्नपत्र आम पाखे अच्छी जहाँकि तुमको हेल्पफुल हो पार समेटिव एसेसमेंट वन रो टार्गेट 50-50 को हासिल करने। तो पे मन रख यही समेटिव एसेसमेंट वन टोटाल 50 मान 50 मार्क आसो केते मार्क आस ना 50 मार्क। फॉर्मेट भी एसेसमेंट वार्ड सीना 20 मार्क आसला कि 50 मार्क आसब आउसी पोर्टफोलियो रहा मन रख जो फॉर्मेट भी एसेसमेंट वन जो पोर्टफोलियो तुमको दि जाऊँच किसी एक्टिविटी करें जार मार्क कि मैंने फॉर्मेट भी एसेसमेंट वन जो कैलकुलेट करा कि ये प्रकार सिस्टम समेट भी एसेसमेंट ना। ओके, आउट पे मन रख नवेम्बर मस शेष सप्ताह फॉर्मेट भी एसेसमेंट वन हो जाऊँ। तो वीडियो को डेरी न कर चलो स्टार्ट करवा। स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने न्यूज होती आम चैनल यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ताके जो बेल आइकन अच्छे दबाई दियो देन ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियो जहाद्वारा भविष्य में प्रकार सूचना बा प्रकार किसी वीडियो आपण पाखे पहुँच पार। ओके, तो चलो स्टार्ट करवा। देखो प्रथम स्टार्ट करने पूर्व आग गवर्नमेंट गोटे नोटिफिकेशन देखा आम मैंने एक्चुअली आम मनु किसी न कही गवर्नमेंट द्वारा बाहर कर चिठीर आधार आम आलोचना करवा बुझिपारा जहाद्वारा आम कौन ठकईर शिकार होगा ना। देख ये यहाँ हूँ गवर्नमेंट रोटे चिठी जो चिठी देख यहाँ हूँ 10th क्लास पाई पॉइंट को पिले देख मुझे मार्क करुच्ची पॉइंट को बर्तमान आम भलसे देखा आ पढ़ा। ओके, देख ये कौन लिखाई लिखाई जे फास्ट एक्जामेसन ये फास्ट एक्जामेसन अर्थ हूँ समेटिव एसेसमेंट वन। तो फास्ट एक्जामेसन विल बी कंडक्टेड कंडक्ट करा जीवो केबे ना लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2021 मसीह नवंबर मासर शेष सप्ताह रे करा जीवो अर्थात एतरा हम बुझी पाले जे समेटिव एसेसमेंट वन नवंबर मास शेष सप्ताह रे हबो। तो एटा गोटे डाउट क्लियर हैला जे केबे हेबागु अछि देन देख ए जो एक्जामेसन हबो देख पैटर्न ऑफ एक्जामेसन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। तो एठारे कहिले जे जो समेटिव एसेसमेंट वन जो एक्जामेसन हम है से कौ प्रकार क्वेश्चन आसो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क अर्थात तुम एसए वन परीक्षा रे प्रति सब्जेक्टर केवल आ केवल 50 मार्क परीक्षा हे आउ थे कौच समेटिव एसेसमेंट वन तुम केवल आ केवल 50 मार्क ही परीक्षा हे आई 50 मार्क रु 50 मार्क सब जाक केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आसब बुझिपार। देख ऑफ 1 आवर आउ जो 50 मार्क क्वेश्चन को तुम एक घंटे दब बुझिपारा आती तुमको एक ओ एम आर सीट दिया हाँ। ओके, ओ एम आर सीट अर्थ कौन तुम देखी के प्रकार एक फर्माट था क्वेश्चन नंबर एक था चार्टा गुला था दुई नंबर था चार्टा गुला था तुमको गोटे क्वेश्चन सेट दिया हाँ से 50 क्वेश्चन थी तार एक मॉडल आम देखा एवं वीडियो लास्ट को। तो मन एक नंबर प्रश्न सठिक उत्तर मन सी अच्छी। ओके, तो एक सी कौन हम ना जी एटा ए एटा बी एटा सी हम तो सी रे आम राउंड बुलेबा ताको ओ एम आर सीट कह जाए तो से ओ एम आर सीट तुम्हें फिलअप कर बुझिपार। आउ से समेटिव एसेसमेंट वन के आसब पिले ना देखिए देख ये फास्ट 50% अफ दि सिलेबस सिलेबस जो 50% पहले अधा पूरा बहर अधा एसब। ओके, आउ यही आंसर को किए इवालुएसन कर ना बोर्ड थ्रो कंप्यूटर अर्थ बोर्ड अफ ओडा बुझिपार ना बोर्ड अफ ओडा बोर्ड अफ एजुकेशन जो आम अच्छे सी तुम जो आंसर सीट जोटा कि तुम ओ एम आर दे सीए चेक कर कंप्यूटर थ्रो चेक कराव कौन टीचर जाकर आपको चेक करेंगे ना सीधा सड़क कंप्यूटर। तो ओ एम आर सीट्रे तुम्हें एक रु 50 नंबर प्रश्न सठिक आंसर दे थो। ओके, से निब कंप्यूटर भितर इनपुट कराव आए अटोमेटिक चेक कर कौन शिक्षक द्वारा चेक हम ना एथर बुझिपाल पे आम देखा। तो ये आम कनफर्म होगा जे कौ प्रकार प्रश्न आसो। ओके, तो फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन जो प्रकार पोर्टफोलियो किसी एक्टिविटी दि जाऊँच ए प्रकार कौन से समेटिव एसेसमेंट वन आसो ना। ओके, आवल एम सी क्यू आसो अन्य कई किसी आर्गुमेंट कर मानने सब्जेक्ट क्वेश्चन आसो तो यहाँ एकदम मिछ अटे आपको विश्वास करवा ना। ओके, देख यार जो गोटे बहुत सारा जो नियम लेखाई अन्न्य नियम गुड़िक आपको मुझे एक फाइल करदे। ओके, तो से फाइल को आम बर्तमान देखा।
पिले देख बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा जो न्यू स्कीम बाहरी अच्छी उभय नवम और दशम पर तो आम केवल दशम रका पढ़ा देख क्लास टेन्थ में तुम दुईट टर्मेंट एक्जामेसन हम ये जो टर्मेंट एक्जामेसन जहाँ समेटिव एसेसमेंट भी ता तो समेटिव एसेसमेंट वन को कहुए टर्मेंट एक्जामेसन वन समेटिव एसेसमेंट टू को कहुए टर्मेंट एक्जामेसन टू तो ये आम जो पेज रे जोड़े भी टर्म एंड एक्जामेसन पढ़ुवा आम चिंता करवा समेटिव एसेसमेंट बोली ओके तो ये देख लिखाई लास्ट विक अफ नवेम्बर 2021 हम आम समेटिव एसेसमेंट वन ओके एथे देखो को प्रकार प्रश्न आसो ना केवल केवल एम सिक्यू आगे 50 मार्क आसो देन देख सिलेबस कौन आसो ना 50% ऑफ सिलेबस माने जुलाई मस आरंभ कर नवेम्बर मस मध्य जहाँ भी किसी पढ़ाई तो नवेम्बर मस लास्ट विक्रे समेटिव एसेसमेंट वन से समस्त प्रश्न आसो अर्थात तुम पिले जो फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन जहाँ भी कि पढ़ीच देन फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू भी जहाँ भी किसी पढ़ सब जाक समेटिव एसेसमेंट वन पढ़ बुझिपार पे मैंने ओके तो ये जो फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू तुम जो प्रिपेरेशन आरंभ कर सहित एसे वन प्रिपेरेशन कर अर्थात फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन जहाँ भी किसी पढ़ीच ताकू कंटिन्यू करा पड़े ताकू स्किप कल हम ना बुझिपार्स ना आउट मन रख फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू के हम जान ना यह हम आई थिंक फास्ट विक ऑफ नवंबर ओके तो प्रथम सप्ताह मैंने नवंबर मास प्रथम सप्ताह हम ठीक तो नवंबर मास प्रथम सप्ताह हम आम फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू ओके देख ये दिहला जो इवाल्युएशन बीएससी बोर्ड द्वारा हम ये जो 50 मार्क जो परीक्षा हम यहाँ इवाल्युएशन किए कर ना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर हाँ पे आउ गए तुम मन में प्रश्न हो प्रश्न किए या कर फॉर्मेटिव एसेसमेंट 1, 2, 3, 4 एगुड़िकर प्रश्न या तुम स्कूल सब्जेक्ट टीचर मन रख तुम स्कूल सब्जेक्ट टीचर प्रश्न या करेंगे तेणु स्कूल टू स्कूल पर आसो किंतु किंतु समेटिव एसेसमेंट वन कि समेटिव एसेसमेंट वन समस्त प्रश्न आमर बोर्ड द्वारा दिजाव कौन स्कूल शिक्षक तैयारी करेंगे ना तेणु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट अटे तो बोर्ड रे प्रश्न गुड़ आसो बुझिपार पे मैंने आउ इवाल्युएशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही कर टोटल मार्क 50 मार्क कहगला ओके आईटा सब्जेक्ट अनुजाई अर्थ हो प्रति सब्जेक्ट 50 मार्क आसो देन देख यहाँ तो गला आम समेटिव एसेसमेंट वन समेटिव एसेसमेंट टू विषय में देखीदे देख समेटिव एसेसमेंट टू जोटा कि वार्षिक परीक्षा आम कही पारा ता एप्रिल 2022 मसीह हम टोटल मार्क के आसो जाना टोटल मार्क से 80 आस समेटिव एसेसमेंट वन ओके समेटिव एसेसमेंट वन आस 50 मार्क टोटल मार्क कि आस टोटल 80 मार्क समेटिव एसेसमेंट टू आउ ये 80 मार्क 50 मार्क हम केवल एम सिक्यू आउ 30 मार्क हम सब्जेक्टिव ओके 30 मार्क आका सब्जेक्ट हम आउ यहाँ पूरा सिलेबस आसव मन रख पूरा सिलेबस आसव बुझिपार बिले आउ समेटिव एसेसमेंट टू रो क्वेश्चन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पठेब आउ चेक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही कर देख कौन लिखाला जदि एग्जाम हेनी ये जो पेंडामिक कोरोना जो जदि एग्जाम न हुए तो पिला तथा पिला घर बसिक एग्जाम देवे ओके क्वेश्चन पेपर सार तुम पेरेन्ट्स मान द्वारा घर को पठेबे तुम एग्जाम दब इमें नाई जे एग्जाम दबनी दब अगा बुझिपार ना आदि आउ से समय आज घर बसिकी एग्जाम दब से क्वेश्चन पेपर इवाल्युएशन किए कर ना न्यूट्रल स्कूल कर कि स्कूल कर न्यूट्रल स्कूल न्यूट्रल स्कूल कौन ना प्राय गोटे पंचायत किंवा गोटे ब्लॉक रे गोटे किंवा जोड़े किंवा न्यूट्रल स्कूल चूज कर जाए जो न्यूट्रल स्कूल आखपाखर सब पिला क्वेश्चन पेपर को सेठी नियाजिबा और सेठरे इवाल्युएशन कराव आउ गोटे जिले में कौ स्कूल को न्यूट्रल स्कूल कराव सीटा जिलार जिला शिक्षा अधिकारी जहाँ को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिसर भी कहुए से निर्धारण करेंगे ओके पे ओके तो देन देखो ये जो इंग्लीश रो समेटिव एसेसमेंट वन कौ चैप्टर गुड़ पढ़ आ फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू कौ चैप्टर गुड़ पढ़ देखो ये आम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा राज्य सरकार द्वारा बाहर कर चिठी अटे ओके यार देखु ये जो यहाँ हूँ आम फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन पढ़िया वाला सब्जेक्ट गुड़िक यहाँ हूँ फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू पढ़िया वाला सब्जेक्ट गुड़िक तो देख फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू कौन कौन सब चैप्टर आड होती गोटे पोएम जाना हूँ द सॉलिटरी रिपर यहाँ गोटे आड होती गोटे प्रोज एट दि हाई स्कूल यहाँ गोटे आड होती द बेगर यहाँ हूँ नॉन डिटेल देन ग्रामर आड होती प्रीपोजिशन नाउन क्लज एंड रिलेटिव क्लज तो ये आड होती तो तुम्हें फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन कौन कौन पढ़ु ना ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ए लेटर टू गॉड ए टाइगर इन द हाउस टाइप ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो इतनी सहित और इतनी जिनस आड है देन समेटिव एसेसमेंट वन कौन पढ़ना उभय पढ़े मीन फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन जहाँ भी किसी अच्छे
समेटिव फर्मेटिव एसेसमेंट टू जहाँ भी किसी अच्छे सबूक मिसेकि पड़े देख ये मतलब लिखाई जे समेटिव एसेसमेंट वन जहाँ को टर्म वन एंड एक्जामिनेशन कहुए जोटा कि लास्ट विक अफ नवेम्बर में होगा जाऊँच आ टोटाल मार्क के आसो देख ये मतलब लिखाई पचास मार्क पचास मार्क अर्थ होमर केवल आ केवल एम सिक्यू ही आसो ओके एम सिक्यू व्यतीत अगर किसी आसो ना मन रख तो आम एम सिक्यू को पूरा बराबर प्राक्ट करवा बुझिपार पे मैंने तापे देख बर्तन आसला आमर एतला जो आम अपेक्षा करचे कौन अपेक्षा करचे जे मॉडल क्वेश्चन को आम देखा बा आदर्श नमूना प्रश्नपत्र को आम देखा देख यहाँ हूँ गोटे नमूना प्रश्नपत्र अटे ए प्रकार किसी प्रश्न तुम तुम जो समेटिव एसेसमेंट वन अच्छी जहाँकि लास्ट विक अफ नवेम्बर होगा जाऊँ तुम्हें सेठे देख देखा पाइब ओके पे तो चल आरंभ करवा क्वेश्चन गुड़ी को देख तो पे तुम आ भितर किसी प्रश्न तुम ए जान न कहीं ना जो प्रश्न गुड़िकारी जो फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू अच्छी आपको आधार कर भितर मत किसी प्रश्न ए भितर अच्छी तेणु हूँ तो तुमको न आसी पारे तथापि मुझे तुमको तार आंसर गुड़िकदेवी ओके जदि यार पीडीएफ तुम पाइबा चाहूँ तेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आमर टेलीग्राम ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे आप जॉइन हूँ यार पीडीएफ आपको सेठे अवेलेबल हो पार ओके तो वीडियो बहुत मात्रा सेयर करें जो सांगसाथी को जहाँ समस्त आम सहित जोड़ पारे देखो प्रथम प्रश्न कौन पचार आफ्टर द हेल स्टॉर्म द फील्ड वाज व्हाइट हेल स्टॉर्म पर फील्ड पूरा व्हाइट होगा सते जमी इफ कवर्ड सते जमी पूरा कवर ऑप्शन ए स्नो कॉटन सॉल्ट एंड कॉटन ऑफ रेन पे तुम चाहिए यार आंसर भी दे पार तुमको जोड़ा जाना से कमेंट में कमेंट बक्स माने कमेंट कर कमेंट बक्स में ओके तो यार आंसर हूँ कौन सी हम सॉल्ट ओके द्वितीय प्रश्न देख द्वितीय प्रश्न कही व्हाट वाज डॉटेड विथ फ्लावर्स ओके ऑप्शन ए लेंचोस कॉर्नफील्ड लेंचोस राइप कॉर्नफील्ड लेंचोस गार्डन द वैली तो कौटा दर्शाऊँ एटा जो डॉटेड विथ फ्लावर्स जो डॉटेड विथ फ्लावर्स कथा कहुई यहाँ क्या दर्शाऊँ सॉरी डॉटेड विथ फ्लावर्स टा क्या दर्शाऊँ पे मैंने ना दर्शाऊँ लेंचोस राइप कॉर्नफील्ड मीन ऑप्शन बी हम लेंचोस राइप कॉर्नफील्ड को दर्शाऊँ नेक्स्ट प्रश्न देख ये जगह तो तुम फॉर्मेटिव एसेसमेंट वन को रिलेटेड अटे तो आराम से कही पार अकॉर्डिंग टू लेंचो लेंचो अनुजाई गॉड साई भगवान आखि सी एवरीथिंग भगवान का आखि सबकि देखुची इवेन व्हाट इज डीप इन वन्स जदिओ जनकर गभीर में कौन अच्छे हार्ट रभीर ना सोल रभीर ना माइंड रभीर ना कनसाइन्स रभीर कनसाइन्स अर्थ हूँ बेक हार्ट अर्थ हृदय माइंड अर्थ मस्तिष्क सोल अर्थ आत्मा तो कौट आंसर हम कनसाइन्स बेक ओके दे नेक्स्ट क्वेश्चन देख इन इज सेकेंड लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड लेंचो निजर द्वितीय चिठी में रिक्वेस्ट करछि भगवान को जे दियो मते केते दियो शहे पेसोस सतुरी पेसोस पचास पेसोस तीस पेसोस प्रश्न को पिलाने पढ़ सेकेंड लेटर रे केते रिक्वेस्ट करछि प्रथम लेटर ना सेकेंड लेटर रे प्रश्न को पढ़ला से पूरा केयरफुली पढ़ तो बुझिले कि आंसर आसे कौन पिले ना तीस पेसोस कहीं सतुरी पेसोस अलरेडी प्रथम चिठी माध्यम मिल जाइला ना कि द्वितीयटा से तीस पेसोस मागिछि द पोस्टमास्टर वाज डेस पर्सन पोस्टमास्टर जन डेस पर्सन थे फेट एंड क्लेवर ना फेट एंड एमेबुल फेट एंड हेल्थी क्लेवर एंड एमेबुल देख पे आम फॉर्मेट एसेसमेंट वन जो भी किसी एम सिक्यू गुड़ आलोचना करते से मत बहुत गुड़े एम सिक्यू आम समेटिव एसेसमेंट वन आसी देखिपर्च ना पे तो समस्त आम सहित जोड़ी ही रुह प्रिपेरेसन आम मिसिकी निश्चित रूप भल रिजल्ट आणिक देखा ओके जदि भिडियो भल लगी निश्चित रूप लाइक करु तो यार आंसर कौन हम पे मैंने आंसर हम पे फेट एंड एमेबुल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख गांधी वाज डेस व्हेन एवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप तुम्हें जब कौटे अलग ट्यूशन जाऊ तुम तो अवश्य कोर्स आगे आगे पड़े थी जो मैं कोर्स आगे चल जाइने निहत फॉर्मेटिव एसेसमेंट टू पाई भी जो भी चैप्टर गुड़िक अच्छी जोटा कि समेटिव एसेसमेंट वन पढ़ी से पार तो गांधी वाज डेस व्हेन एवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप एस्टोनाइज्ड हैप्पी ओवरजॉयड ओरिड कौटा हम सठिक उत्तर हो पे मैंने एस्टोनाइज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन
गांधी हेड द फाल्स नोशन, गांधी कर थिला फाल्स नोशन थिला जे डेस हेड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। पढ़ा पिला माने जिमनास्टिक्स, हैंडराइटिंग, संस्कृत, क्रिकेट। गांधीजी धारणा थिला जे एजुकेशन सहित निम्नलिखित भितर कार लिंक नहीं। सठिक उत्तर होची जिमनास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी डिड नॉट हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हिज, गांधी नथिला हाई रिगार्ड्स नथिला कोति पई, टीचर को पई, टीचर ना अचीवमेंट ना एबिलिटी ना कैरेक्टर, कोड़ा हबो सठिक उत्तर पिला माने एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी वाज लेट फॉर जिमनास्टिक्स क्लास ऑन डे आफ्टरनून, गांधी वाज लेट, गांधी विलंब थिले फॉर जिमनास्टिक क्लास ऑन डे आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून, सटरडे आफ्टरनून, थर्सडे आफ्टरनून, ट्यूजडे आफ्टरनून, कौन हम सठिक उत्तर पे मैंने सटरडे आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी थैंक्ड, महात्मा गांधी धन्यवाद दे डेस मोर देन हिज मेरिट्स, हिज गुड लक, हिज एबिलिटी, हिज फेट, हिज मेमोरी, पढ़ा हम सठिक उत्तर पे हिज गुड लक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो ये आसा तुम ब्राइट एंड ब्यूटीफुल प्रथम पोएम को, वी फाइंड राइप फ्रूट्स इन द, आम राइप फ्रूट पाई के ग्रीन वुड रु, ऑर्चर्ड रु, मिडोस रु ना गार्डन रु, बहुत सहज प्रश्न, सठिक उत्तर पे गार्डन रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वाइज एंड डेस स्किलफुल ब्लिसफुल वंडरफुल विलफुल, कौन हम सठिक उत्तर हूँ पे ऑप्शन सी वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी हु हेज मेड ऑल थिंग्स, डेस कौन हम वाइज वंडरफुल ब्यूटीफुल वेल, सठिक उत्तर पे ऑप्शन डी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड हेज गिवेन, भगवान देखते ग्लोइंग कलर्स टू दि, ग्लोइंग कलर दी का, लिटिल थिंग्स, लिटिल बार्स, लिटिल फ्लावर्स, लिटिल गार्डन, का ग्लोइंग कलर, बहुत सहज प्रश्न, सठिक उत्तर जो पे ऑप्शन सी लिटिल फ्लावर्स। ओके नेक्स्ट देख, अकॉर्डिंग टू सी एफ अलेक्जेंडर, सी एफ अलेक्जेंडर जो द रिवर इज रनिंग बाय दि, रिवरटा रनिंग कर हिल देकरी ना माउंटेन देकरी ना ग्रीन वुड ना गार्डन, कौटा हम सठिक उत्तर पे मैंने माउंटेन। ओके नेक्स्ट प्रश्न, विलियम वुड्स आत बिलंगस टू, विलियम वुड्स आत क्यों देश बिलंग करते, अमेरिका, आयरलैंड, इंग्लैंड, मेक्सिको, कौ देश बिलंग करते, राइट आंसर हो पे ऑप्शन सी इंग्लैंड रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे मैंने, यहाँ सॉलिटरी पर आसी, योन सॉलिटरी हाइलैंड लास्ट द अंडरलाइन वार्ड, जो अंडरलाइन कराई लास्ट को यार अर्थ कौन, गर्ल, रिपर, डॉटर, फार्मर्स डॉटर, पढ़ा हम राइट आंसर हो पा मैंने गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेलोडियस वॉइस ऑफ द गर्ल लेफ्ट द पोएट, से झीर जो मेलोडियस वॉइसटा लेफ्ट द पोएट एमेज्ड, एस्टोनाइज्ड, एगोनाइज्ड, स्पेल बाउंड, कौटा हाँ सठिक उत्तर, सठिक उत्तर हो पाने ऑप्शन डी स्पेल बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम डेस इज ए ब्यूटीफुल डेस्क्रिप्शन, गोटे पोएमटा जोटा कि ब्यूटीफुल डेस्क्रिप्शन अटे अफ दि पोएट्स पर्सनाल एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, द सॉलिटरी रिपर, विलेज सॉन्ग, द फ्लावर स्कूल, कौटा हम द पोएम डेस इज ए ब्यूटीफुल डेस्क्रिप्शन, डेस्क्रिप्शन अफ दि पोएट्स पर्सनाल एक्सपीरियंस, यहाँ कौटा हम कह ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ना सॉलिटरी रिपर ना विलेज सॉन्ग ना द फ्लावर फ्लावर स्कूल, कौटा हम राइट आंसर हो पा मैंने द सॉलिटरी रिपर, मैंने से कही निम्नलिखित मध्य क्यों पोएम डी कवि पर्सनाल एक्सपीरियंस गोटे उदाहरण हो पाए, तो ये आंसर आस सॉलिटरी रिपर। ओके नेक्स्ट देख, व्हाट डज द पोएट मीन टू से, कवि जो कहीं आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तार गीतर शेष नाई, यार अर्थ कौन, हर सॉन्ग इज टू
लॉन्ग टू एंड ना सी किप्स ऑन सिंगिंग एंड सीम्स नॉट टू एंड द पोएट डज नॉट वांट द सॉन्ग टू एंड द सॉन्ग कंटेन्स एन एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल्स कोड़ा हबो पहले सटीक आंसर होचे ऑप्शन डी द सॉन्ग कंटेन्स एन एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल्स नेक्स्ट क्वेश्चन तब देख आसला हमर नॉन डिटेल रु एटा मतलब तुम पढ़ी ऑलरेडी हमर फॉर्मेटिव एसेसमेंट 1 एग्जाम देला आसी टिमोथीस डेस्क प्लेस इन द हाउस वाज द ड्रॉइंग रूम फेवराइट रेस्टिंग स्लीपिंग एंड प्लेइंग कोड़ा हबो सटीक आंसर हो पिला माने ऑप्शन ए फेवराइट टिमोथीस फेवराइट प्लेस होची इन द हाउस वाज द ड्रॉइंग रूम अतः टिमोथी फेवराइट प्लेस टा ड्रॉइंग रूम थिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ग्रैंडफादर सॉ जितने जेजापा देखिले जे द टाइगर कब बाघ छुआटा हेड हिडन इटसेल्फ एमंग द इंट्रिकेट रूट्स जे बाघ छुआटा लुची अच्छी गोटे गछर चेर रे को गछर चेर रे बानियान गछ मेंगो गछ ना एटा हो सॉरी एटा बानाना गछ ओके एटा हो बानियान गछ आ ह्यूज गछ तो कौन आंसर आसीबो सटीक आंसर हो पिला ऑप्शन सी बानियान नेक्स्ट एराइविंग एट दि जू जू को आसला परे ग्रैंडफादर जेजेबापा एट फास्ट प्रथमे वेन टू दि सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट पाक गले वेन टू दि ओल्ड जू कीपर ना आस्क द कीपर अबाउट टिमोथी ना वेन स्ट्रेट टू दि केज ऑफ टिमोथी कौन करछन्ती जेजेबापा प्रथमे जू रे पहुँचला परे सटीक आंसर हो पाने वेन टू स्ट्रेट टू दि केज टिमोथी टिमोथी को से आगर जोड़े छाड़ते सीधा श्लोक नाक सीधा आगे सीढ़िया जाइंट आउ का न पचारिकी नेक्स्ट प्रश्न देख Who named the टाइगर कप टिमोथी बाघ छुआर ना टिमोथी बोली किए रखिले रस्किन बॉन्ड रखी ना टिके रुह ना रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर रखी ना रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंड मदर ना बॉन्ड्स फादर तो किए रखी पे मैंने पे सठिक आंसर हो ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंड मदर तो जेजे आमा रखी तार नाड़ा ओके नेक्स्ट प्रश्न देख टिमोथी डाइड ऑफ टिमोथी मरी जाइए निमोनिया देख निमोनिया स्पेलिंग देख कौ प्रकार लिखाई ये पीड़ा साइलेंट अटे ना कैंसर जो ना डायरिया जो ना मलेरिया जो तो क्या जो टिमोथी मरी जाइए आंसर हो पे निमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन सर्जे इन द बेगर यू आसा आम कौन जो सेकेंड आमर नॉन डिटेल अच्छी से तो जो मैंने आगु पढ़ी थी ट्यूशन कि स्कूल जब आगुआ पढ़ाई थी तो अलग कथ ना नुआ पाई प्रोब्लेम हो पाए सर्जे इन द बेगर रे जो सर्जे सी गोटे जो कौन थी सी जो बेगर थी ना टीचर थी ना म्यूजिशियन थी ना आडवोकेट थी कौन थी सठिक आंसर हो आडवोकेट कौन थी ना आडवोकेट देन देख आई एम डिलइटेड फर योर सेक् मु बहुत डिलइटेड हैली तोर सेक् नहीं हू दिस् सर्जेई ना लस्कोफ ना उल्गा ना ग्रैंडफादर कौड़ा हाब ऑप्शन ए बी सी डी भितर कौड़ा हाँ पे मैंने कमेंट कर सठिक आंसर ऑप्शन ए सर्जेई नेक्स्ट ड्यूरींग हिज लास्ट भिजिट सर्जेई केम टू नो दैट शेष भिजिट समय सर्जे जानवा पाइले जे सर्जे वाज यर्निंग जे सी यर्निंग करेस 25 रूबल 35 रूबल्स 45 रूबल्स 55 रूबल्स तो कौन आंसर आसो कौटा से पे मैंने जो मैंने आगे पढ़ी से मैंने निहत रूपे कहींपर सठिक आंसर हो पे मैंने 35 रूबल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख द स्टोरी द बेगर वाज रिटन बाय द स्टोरी द बेगर टाक किए लिखी ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड प्रेमचांद आंटोन चेकोव लियो टोलस्टॉय किए लिखी ताले पहले सठिक आंसर होची ऑप्शन सी एंटोन चेकोव नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्गा फ्लॉग डेस एट दि फिट ऑफ दि बेगर
ए पीस ऑफ वुड माने उल्गा जो जी की चाकरांडा थिला से फिंगिला कौन फिंगिला गोटे पीस ऑफ वुड फिंगिला ना ए बिलेट ऑफ वुड ना ए लॉग ऑफ वुड ना अन एक्स तो कौन फिंगिला ता उपरू चाकर उपरू माने से जो बेगर उपरू सठिक आंसर होछ पिलाना ऑप्शन डी अन एक्स देन माय फादर लाइक्स हिज टी स्ट्रांग मोर बापा पसंद करती तार माने टी स्ट्रांग टी को पसंद करती द पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंस एडे सेंटेंस रो पैटर्न टा कोन अछि पले एडु ग्रामर आरंभ होय छि टिके पैटर्न ऑफ सेंटेंस रो माय फादर लाइक्स हिज टी स्ट्रांग मोर बापा पसंद करती टी स्ट्रांग पसंद करती टा कोन को प्रकार अछि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ना एस बी डबल ओ ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना एस बी ओ ए आ भितर कोडर अछि सठिक आंसर हूँ एस बी ओ सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ओके यहाँ देख सब्जेक्ट किए ना माय फादर वर्ब हूँ लाइक्स ऑब्जेक्ट हूँ हिज टी स्ट्रांगटा हूँ कॉम्प्लीमेंट ओके नेक्स्ट देख पिक आउट द ग्रामाटिकली करेक्ट सेंटेंस ग्रामाटिकली जोड़ा करेक्ट थी से सेंटेन्सटा को पिक आउट कर बोली से कही तो देख ये भी लास्ट टू देखा जाऊनि तो मुझे पढ़दे तुम्हें अनुमान करने चेस्टा कर ओके ही हिट नॉट ओनली ए सेंचुरी बट ऑल्सो क्लेम्ड ये लास्ट लिखाई क्लेम्ड लिखाई ओके सी एल ए आई एम ई डी ही हिट नॉट ओनली ए सेंचुरी बट ऑल्सो क्लेम्ड टू विकेट्स तो ये सेंटेन्स ठीक अच्छी ना ही नॉट ओनली हिट ए सेंचुरी सी सेंचुरी की हिट करनी बट ऑल्सो क्लेम्ड टू विकेट्स He hit not only a century but also he claimed two wickets. Not only he hit a century but also claimed two wickets. तार थर्ड ए हमको not only but also यूज विषय से पचास पे मैंने तो not only but also कौड़ा प्रॉपर यूज है आ भितर ए चार्टा सेन्टेन्स भितर टे मार्क कर पे सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी ओके तो ऑप्शन बी रे जो सेन्टेन्स अच्छे से not only but also प्रॉपरली यूज है नेक्स्ट क्वेश्चन देख चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को देख द जूरी हेज डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू जूरी डिवाइड है आपको आधार करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विषय पढ़ते ना कि प्रकार सेंटेंस था द जूरी हेज डिवाइडेड एटे हेज हवा कथा ना हेबा कथा चिंता कल टे देख द जूरी हेव डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू द जूरी वेयर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू द जूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू कौटा हाँ पाने पे यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी ओके पे तुम मन में गोटे कन्फ्यूजन आसो ये यहाँ कम है नहीं कि जो मैंने यार उत्तर जाच प्रॉपर्ली कमेंट बॉक्स कमेंट करो आ जो मैंने जाण से मत व्हाट्सअप कर टेलीग्राम कर तो मुझे तुमको कहीदेवी नेक्स्ट क्वेश्चन देख 34 क्वेश्चन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डेज इनक्रीज्ड हैव बीन इनक्रीज्ड ना हेज इनक्रीज्ड हैव इनक्रीज्ड ना वेयर इनक्रीज्ड कौटा हम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन हम यहाँ पे यार सठिक आंसर हम हेज कहीं देख ये जो नंबर द नंबर ऑफ लगला ए द नंबर ऑफ लगे द्वारा कौन ना स्टूडेंट जाक पूरा सिंगुलर कैटेगरी पले से जेहतु सिंगुलर कैटेगरी पले तेणु हेव बीन केवे यूज हम ना कि हेव यूज हम ना कि वेयर मत यूज हम ना तो बड़ीगला कौन हेज तेनालीरें हेज ही यूज हम आई स्टूडेंट्स अच्छी प्लुराल फर्म यूज करदेव ना जेहतु द नंबर ऑफ लगे तेनालीरें सिंगुलर जीव जोटा कि आम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आम अलरेडी पढ़ीचे जो मैंने पढ़ी ना से आम चैनल को विजिट कर विजिट गला से सेटा गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट वन रोटे प्ले लिस्ट अच्छी से ही प्ले लिस्ट को जब जी बोले सेठे भिडटे पाइपर 35 क्वेश्चन लंडन इज डेस द थेम्स लंडन इज ऑन द थेम्स लंडन इज एट द थेम्स लंडन इन द थेम्स लंडन इज ओवर द थेम्स कौन हम ये सठिक आंसर होगी ऑप्शन ए लंडन इज ऑन द थेम्स नेक्स्ट देर वेर
देर वाज ए लेडर डेस द वाल देर वाज ए लेडर अर्थ सीढ़ी कांथ को लगे गोटे सीढ़ी अच्छी कांथ को लगे गोटे सीढ़ी अच्छी मन यहाँ कांथ बोले गोटे सीढ़ी अच्छी तो देर वाज ए लेडर एगेनेस्ट द वाल बाय द वाल ऑन द वाल एट द वाल कौन हम ये सठिक आंसर होचे एगेनेस्ट द वाल तो गोटे कांथ में जब गोटे सीढ़ी लगे थोड़ा तो यहाँ एगेनेस्ट बोली कह तार नेक्स्ट द रेन इज सो टेरिटोरियल टोरेन्टियाल है टोरेन्टियाल द रेन इज सो टोरेन्टियाल इट इज एक्सक्लामेटरी इन आपको अच्छा ये सेंटेन्स से कौन कही एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स कनभर्ट कर लिखे लगे द रेन इज सो टोरेन्टियाल तो आपको कौन कर एक्सक्लामेटरी करवा यहाँ मतलब अलरेडी पढ़चे ना फॉर्मेट भी असेसमेंट वन क्लास कला से अलरेडी पढ़चे यहाँ किपर गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को किपर गोटे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रे कन्वर्ट कराए आम अलरेडी पढ़चे ना कि व्हाट एंड हाउ को लगे किपर कराए जदि देखी ना फॉर्मेट भी असेसमेंट वन प्लेलिस्ट को जाओ क्लास टेन्थ फॉर्मेट भी असेसमेंट वन तो सेठा गले जानपर तो कौन हम व्हाट टोरेन्टियाल इज द रेन व्हाट टोरेन्टियाल द रेन इज हाउ टोरेन्टियाल द रेन इज हाउ टोरेन्टियाल इज द रेन कौन आंसर हम फिर सठिक उत्तर हूँ हाउ टोरेन्टियाल द रेन इज नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूज दैट ही हैज कम इज ट्रू गोटे न्यूज आसला जोटा कि द न्यूज दैट ही हैज कम इज ट्रू न्यूजा जोड़ा कि सी आणिक जो न्यूजा देखा सत्य अटे द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन नाउन क्लॉज इज एटा जो अंडरलाइन अच्छी दैट ही हैज कम टिके रहा हाँ जो अंडरलाइन वर्डटा अच्छी दैट ही हैज कम इज ट्रू ये जो यहाँ कौन अटे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अटे ना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन अटे ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब अटे ना इन एपोजिशन टू ए नाउन अटे तो कौड़ा अटे पिला माने पिले सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी इन एपोजिशन टू ए नाउन नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन नॉट टेल मुझे ना व्हेन यू विल अराइव जे से केत आसा जो अंडरलाइन दि जाइटा कौन अटे एटा नाउन अटे ना सॉरी नाउन क्लॉज अटे ना रिलेटिव क्लॉज अटे ना एडवर्ब क्लॉज अटे ना कोऑर्डिनेट क्लॉज अटे कौन आंसर आसो आई कैन नॉट टेल मुझे कहीपरि ना व्हेन यू विल अराइव जे से केत आसो आई कैन नॉट टेल व्हेन यू विल अराइव एटा नाउन क्लॉज हम ना रिलेटिव क्लॉज हम ना एडवर्ब हम ना कोऑर्डिनेट क्लॉज हम कौटा हम यार सठिक आंसर हो नाउन क्लॉज हम ओके नेक्स्ट देख मेन इज द ओनली एनिमल ओके मेन इज द ओनली एनिमल डेस कैन टॉक मनीष होची केवल गोटे एनिमल जी की पारे तो व्हिच कैन टॉक ना दैट कैन टॉक ना हु कैन टॉक ना हुम कैन टॉक कौटा हम सठिक उत्तर पहले सठिक आंसर हूँ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पहले 40 टी सरला 10 टी प्रश्न अच्छी टाइम मत बहुत है ओके तो टी पेसेंस रखी रख गोटे 5 मिनट सर जी हिज बिहेवियर इज नॉट पोलाइट तार बिहेवियर पोलाइट नुह ओके हिज बिहेवियर इज नॉट पोलाइट गोटे सिंगल वर्ड कह आई देख ऑप्शन कौन देखिए देख नॉट पोलाइट पर कौन हो पार नॉट पोलाइट पर देख ऑप्शन देचे डे इनपोलाइट अनपोलाइट इम्पोलाइट मिसपोलाइट तो नॉट पोलाइट पर कौटा ठीक हम सठिक आंसर हो पाने इम्पोलाइट ऑप्शन सी हम ठीक उत्तर जी पोलाइट ना ताको इम्पोलाइट कह पोलाइट विपरीत शब्द हूँ इम्पोलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन देख ए काइंड हार्टेड पर्सन गोटे दयालु व्यक्ति हु कनसीडर जे कि कनसीडर कला अन्य मानू डिफिकल्ट अन्यर डिफिकल्ट को सी कनसीडर कला इज ए डिसिप्लिनारियन लेनिएंट ना सोबर ना कनसीडरेट गोटे काइंड हार्ट पर्सन अच्छी जी कि अगर कष्ट को सी कनसीडर कर बुझीपे आम कौन कह डिसिप्लिनारियन कह लेनिएंट कह सोबर कह कनसीडर कनसीडरेट कह कौन कह पाने पे सठिक आंसर हूँ कनसीडरेट अन्यर दुख को जब आम बुझीपे तेज आम कनसीडरेट अर्थात आम अगर दुख को जब कनसीडर करे देखो जी कनसीडर करे ताको कहा जाए कनसीडरेट बोली कहा जाए नेक्स्ट देर इज ए रिंकल से गोटे रिंकल अच्छे अनिज ब्रो तार ब्रो रे रिंकल अच्छी द अंडरलाइन वर्ड मीन्स एटा जो कहले रिंकल यार अर्थ कौन मार्क ना उंड ना स्वीट ना लाइन कौन आंसर आसार यार आंसर अर्थ होने लाइन ओके ब्रो रे लाइन गोटे गार अच्छी बोली कहुच नेक्स्ट देख
44 नंबर क्वेश्चन ए भेरी स्ट्रॉन्ग विंड गोटे जोर से पवन दैट मूव्स जो जे कि प्रभावित होउची वेरी फास्ट द्रुतर सह इन ए स्पिनिंग मूवमेंट रो थौ छी राउंड राउंड करी बुलची एंड कजेस आ कज करछे लॉट ऑफ डैमेज बहुत सारा डैमेज करछे देखडे ए लॉट ऑफ डैमेज कहबा जो एटा सिंगुलर आसला तने इजी हो जाई छी ताकू कोन कहबा व्हील विंड कहबा ना टोर्नाडो कहबा ना हरिकेन कहबा ना साइक्लोन कहबा कोन कहबा पिला माने ता कहबा पिला माने व्हील विंड हेल ता कहबा मन रख नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज नॉट लीगल यह ठीक नुह ए सिंगल वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड विल बी नॉट लीगल को एक पद प्रकाश कले कौन आसव इनलीगल अनलीगल मिसलीगल ना इलीगल बहुत सहज अटे तुमने निज लाइफ में यूज कर इलीगल जे नियम विरोधी काम करे ताको आम कह इलीगल बोली कहीपर नहीं कि ऑप्शन डी हम ठीक आंसर नेक्स्ट ब्लाइंड अध अंध नहीं कि बिलीव इज कॉल्ड सुपरस्टिशन ब्लाइंड बिलीव अर्थात अंध विश्वास एक सुपरस्टिशन अटे ब्लाइंड बिलीव ना बिलीफ ना बिलीवेबल ना बिलीवड कौन आंसर आसव राइट आंसर होची ऑप्शन बी बिलीफ द लेटर वाज एड्रेस लेटरटा एड्रेस कराई भवानी को एक्सप्रेस इट एम्पैथेटिकली विथ नेगेटिव वर्ड यह तुम नेगेटिव वर्ड रे लेख बोली से कही द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ देख लिखाई चार्टे ऑप्शन दिखाई इट वाज नथिंग बट ए लेटर टू गॉड यह केवल गॉड को लिखाई आउ किसी नहीं इट वाज नॉट ए लेटर टू गॉड हिमसेल्फ यह भगवान निकट को ना इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड ना इट वाज नो अदर थिंग बट ए लेटर टू गॉड तो कौन हम बोले राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख चारिटी सार एक्जेम्प्टेड चारिटी गुड़क एक्जेम्प्टेड कर डेस्क पेइंग टैक्स चारिट अर्थ जदि आम जन को जब साजे तो सीटा टैक्स अंडर आसब ना टैक्स रु बाहर को निजी बुझिपार बेले गवर्नमेंट द्वारा टैक्स पकाहब ना तो चारिटी सार एक्जेम्प्टेड विथ पेइंग टैक्स ना फॉर पेइंग टैक्स ना ऑन पेइंग टैक्स ना फ्रॉम पेइंग टैक्स कौन आसव राइट आंसर हो पाला ऑप्शन डी फ्रॉम नेक्स्ट देख इफ यू हैड वर्क हार्ड जब तुम्हें कठिन परिश्रम कर यू वुड सक्सीड ना यू कुड सक्सीड ना यू हैव सक्सीड ना यू सक्सीडेड सक्सीडेड कौन आंसर आसव राइट आंसर हो पाला ऑप्शन सी वुड हैव सक्सीडेड तुम जब कठिन परिश्रम कर बोले यू वुड हैव सक्सीडेड नेक्स्ट बिफोर आई रीच मु पहुँचा पूर्व स्कूल को द बॉयज पुओ माने हेड लेफ्ट लेफ्ट हैव लेफ्ट वेयर लेफ्ट मु स्कूल पहुँचा पूर्व पुओ माने कौन होते ना ऑलरेडी पलिते द बॉयज हेड लेफ्ट ऑप्शन ए हम यार ठीक आंसर ओके पिला माने तो बहुत टाइम होगा तो आम 50 प्रश्न आलोचना करदे निश्चित रूप तुमको यही प्रश्न गुड़िक तुम समेटिव असेसमेंट वन बहुत साहय कर ओके तो वीडियो पिला जब पसंद आसो निश्चित रूप गोटे लाइक कर ओके देन जो सांगसाथी भितर सेयर कर आदि सब्सक्राइब करना तेज यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर ओके पे धन्यवाद।